आज कांग्रेस है गदगद और हो भी क्यों ना, कांग्रेस के चेहरे पर खुशियां बनती भी है क्योंकि इतनी बड़ी जीत शायद कांग्रेस ने भी नहीं सोची होगी कि कर्नाटक में जीत तो हो रही है लेकिन जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो जाएगा। बीजेपी ने भी सोचा होगा कि हाँ वो थोड़ी कमजोर पिच पर खेल रही है लेकिन वो इतनी कमजोर हो जाएगी ये उसने सोचा नहीं था। तो मुद्दों की लड़ाई थी, यहां पर डबल इंजन की सरकार की बारी आई और होते होते अब यहां पर 2024 के प्रोजेक्शन तक की खबरें सामने आने लगी हैं। हालांकि आंकड़ा यह बताता है 136 इस वक्त कांग्रेस के पास है, एक बड़ी मेजोरिटी के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। सिद्धरमैया से लेकर डीके शिव कुमार से लेकर के खड़गे साहब से लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हर कोई जीता सहरा कांग्रेस की टीम को बांध रहा है कि मुद्दों की राजनीति अगर की जाती है, जैसा प्रियंका गांधी ने कहा था कि अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था, इधर उधर निशाना नहीं, अगर आप भी सिर्फ वही देखिए, इधर उधर भटकिए नहीं तो बटन भी वही दबाइएगा। उसी तरीके से कर्नाटक की जनता ने क्या विश्वास किया है इस पॉलिटिक्स पर और ये पॉलिटिक्स क्या 2024 का एक रिफ्लेक्शन है, 2024 में जाएगी, बीच में 3 विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका रास्ता भी तय होगा, लेकिन क्या 2024, हम ये क्या कहते हैं कि 2024 के लिए क्या दक्षिण का द्वार कमल के लिए थोड़ा मुश्किल या फिर बंद होता नजर आ रहा है, इसके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं उस पर नजर डाल लेते हैं, आज टैली क्या कह रही है और कुछ आंकड़े क्या कह रहे हैं वो हम आपको इस वॉल पर दिखाते हैं, फिलहाल की टैली क्या है और फिलहाल के आंकड़े क्या हैं, क्योंकि अब बड़ी ये देखिए कांग्रेस की सरकार, ये सुबह से ही हालांकि एक बार थोड़ा क्लिफ हैंगर हुआ था लेकिन कांग्रेस की सरकार साफ नजर आती हुई 136 बहुमत से काफी बड़ा आंकड़ा, जेडीएस को काफी नुकसान, 20 सीटों पर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी भी जो 100 के आसपास पहुंच रही थी, टैली खत्म होते थे 64 तक, यानी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार है, 64 तक पहुंची। लोकल लीडरशिप का नहीं होना, सीनियर लीडर्स की नजरअंदाजी, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करती है, कर भी रही होगी क्योंकि 24/7 वो इलेक्शन के बारे में जो है फैसला करते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो 24 की चुनौती कर्नाटक का फैसला कैसे देता है क्योंकि 2019 का प्रदर्शन दोहराने की यहां पर अब चुनौती होगी, कहां से आंध्र प्रदेश में, केरल में, पुडुचेरी में, दक्षिण के तमाम स्टेट्स में, लेकिन यहां अगर कर्नाटक हाथ से चला गया है विधानसभा से तो क्या दक्षिण से वो करिश्मा या फिर वो जो सीटें पिछली बार जो मिली थी लोकसभा की, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको दोहरा पाएगी क्योंकि दक्षिण के 4 राज्यों में बीजेपी का कोई लोकसभा सांसद ही नहीं। तो ऐसे में उन राज्यों पर लगातार कोशिश की जा रही थी कि कर्नाटक के जरिए ही उन राज्यों में अपना दबाव बनाया जाए, अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई जाए, एक उसको झटका लगा है। अब बीजेपी को उससे 2019 की एक चुनौती ये भी है कि 2019 के बाद अब 2024 का जब चुनाव है कहीं ये लोकसभा सीटें जो दक्षिण की हैं वो घट ना जाएं, तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा। आज निकाय चुनाव आए हैं, हालांकि इसके लिए एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं यूपी में जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विक्ट्री, निकाय चुनाव थे हालांकि वो, लेकिन वो भी एक तरह का लिटमस टेस्ट था, उत्तर प्रदेश में उसके बाद जो चुनाव होंगे वो लोकसभा 2024 के ही चुनाव होंगे, वहां पर 80 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा टारगेट लेकर के चलेगी। तो यही है कर्नाटक का फैसला, 24 की चुनौती, तो कुल मिलाकर के तो उसके बाद कैसे देखिए कांग्रेस कैसे प्रोएक्टिव हो गए, कांग्रेस में जैसे एक नई जान आ गई होती है, हम आपको ये दिखाते हैं। कांग्रेस एकदम पूरे तरीके से एक्टिव हो गई, एक के बाद एक बयान आने सामने लग गए, एक के बाद एक कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया, अपनी जीत बताना कांग्रेस ने इसे कहा कि देखिए हमारी जीत है और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है क्योंकि वो अंतिम समय में लीड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये फैसला क्या कहता है, 2024 का रिफ्लेक्शन क्या है, इस पर हम करेंगे बहस। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़ा पैनल मौजूद है क्योंकि यहां से हम करेंगे चर्चा क्या 2024 के लिए बंद हुआ दक्षिण का द्वार, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि कर्नाटक है दक्षिण का द्वार, तो क्या कर्नाटक ने ये दिखाया कि बंद हुआ है दक्षिण का द्वार। तमाम यहां पर मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, पवन गोयल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूजा त्रिपाठी हैं हमारे साथ जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, हमारे साथ हाजी महराजुद्दीन है इस वक्त स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ पंकज सर हैं, पंकज वोरा सर, हमारे साथ जीवीआर शास्त्री हैं, हमारे साथ अनिल सिंह है और हमारे साथ आलोक मेहता हैं। सबसे पहले जीवीआर मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं बिकॉज यू कम फ्रॉम द स्टेट जहां से हम लगातार इन चीजों को देख रहे थे, आपको क्या लगता है, हम लगातार इसका स्लोगन भी यही दिया जा रहा था कि कर्नाटक से खुलेगा क्या दक्षिण का द्वार, अभी 3 विधानसभा चुनाव बाकी हैं,
अभी ठीक एनालिसिस होगा तमाम वोट परसेंटेज, हालांकि 36 के का ही वोट परसेंटेज है, बीजेपी का इतना ही रहता है, बहुत सी और फैक्टर्स हैं जिन पर हम जाएंगे, लेकिन अभी से इसको 2024 से, क्योंकि नजदीक सबसे पहले वही है, अभी से पहले इसको एक 2024 के रिफ्लेक्शन के तौर पर कांग्रेस के कई नेता देख रहे हैं, ये सुगाट जो है कई पॉलिटिकल पंडित्स में भी शुरू हो गई है, क्या सच में ऐसा है और इज इट टू अर्ली टू से कि बंद हुआ दक्षिण का द्वार कमल के लिए? नहीं, बात तो साफ थे, क्योंकि 2024 एक दोनों पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये दिशा निर्देश करता था, कर देता था, उसी के लिए ज़रूरत थी। ये चुनाव इतना अचानक एक ऐसी मोड ले लिया था इम्पोर्टेंसी पे, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को स्टेट लीडरशिप, कमजोर स्टेट लीडरशिप, और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी ऐसी ताकतवर लीडरशिप स्टेट की है। और जहां तक सेंट्रल लीडरशिप देखेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन आप ये बात को समझ लीजिए, बीजेपी की स्टेट लीडरशिप ना होने की वजह से, या दिलचस्पी, पूरी जिम्मेदारी किसी ने, जैसा मोदी अमित शाह ने अपने कंधे पे लिया था, वैसे किसी ने नहीं लिया था वहाँ पे। ऐसा कुछ किसी ने लिया होता तो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये बात कह दिया था, ये पीएफआई और जो बजरंग दल की बात को अंदर मामला, जो बात ये थी आप साफ करके बाहर आ गए, जो जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो माइनॉरिटी वोट बढ़ जाती थी वो कंसोलिडेट होके कांग्रेस की पक्ष में चले गई। आप खुद ही कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का जितना जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है जो उतना ही है, वो कुछ छेड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस कंसोलिडेट हो गए तो जेडीएस के थ्रू। तो कांग्रेस ने ये गेम जो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है क्योंकि उसने बहुत सोची समझी साजिश थी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये आकलन करने में गलती हो गई, क्योंकि वहां पे स्टेट लीडर ठीक से ब्रीफ नहीं कर पाया। लेकिन मेहनत तो बहुत बुरी, इतना मेहनत किया था, इतना मेहनत आके अमित शाह जी मोदी जी ना किया होता तब क्या तो होता? उसका कम से कम ये 160-170 पे पार कर देते हैं, क्योंकि 30 सीट और निकल गए। क्योंकि आप देखिए ओल्ड मैसूर और बॉम्बे कर्नाटका, ये दोनों के अंदर ये माइनॉरिटी कंसोलिडेशन पूरा दिखने के लिए मिल रहा है, पूरा साफ साफ दिखने के लिए मिल रहा है। इवन कर्नाटका एकदम स्वीप है, बिल्कुल लोड महसूस भी बिल्कुल। इवन आप ये देखेंगे कोस्टल कर्नाटका में, वो 30 कर्नाटका के अंदर जो 19 सीट है, उस 19 सीट में से 14 सीट बीजेपी जीते, लेकिन 19 की 19 आने की संभावना थी, उसमें कट गए। और ओल्ड मैसूर में तो साफ जेडीएस का 37 सीट है, पिछली बार 37 सीट थी, इस बार वो सीधा 20 सीट तक पहुंच गए, तो उससे भी समझ आ जाता है पूरा कंसोलिडेट। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं ये बात को कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, ऐसी क्या जरूरत थी आपने घोषणा पत्र में पीएफआई की बजरंग दल बात करने की? नहीं, वो तो हो गया ना, अब तो कह दिया था, ये बात वो समझ लिया था, ये बीजेपी इस फ्रंट फुट पे आएगी, ये खेलना फ्रंट बुक पे बाई चांस खेलेंगे तो ये बात संभव होगा। उन्होंने करा और करा। अगले दिन ही डीके शिवकुमार आ गए, कह गए कि हनुमान के सबसे बड़े मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं बैकफुट पर, बैकलैश पर ले आई कि जेब में हनुमान जी की फोटो डाल करके चलना और उसको एक धार्मिक मुद्दा बना लेना, वो भी कहीं ना कहीं बैकलैश किया। लेकिन मनोज यादव हमारे साथ जो है बीजेपी के ऑफिशियल स्पोकसपर्सन मौजूद है। मनोज जी, जाहिर सी बात है हार्ड लक, मेहनत बहुत की, मेहनत जाहिर सी बात है हर पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल जानती है, आपको भी इसका अंदाजा रहा होगा, लेकिन फिर भी अंतिम वक्त तक प्रधानमंत्री लगे रहे, उन्होंने ग्राउंड छोड़ा नहीं, हार्ड लक 64, लेकिन 2024 के लिए क्या सबक है? फिर बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि अभी से ही यहां पर बिगुल फूंक रही है कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप 2014 के लिए। देखिए सचिन जी, दोनों विषय के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। पहला विषय तो ये है कि इसको कहते हैं, जिस चीज की ये लोग डंका पीटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो आप देखिए कि जब एक तरह की यहाँ परंपरा रही, 38 सालों से एक ऐसी परंपरा रही कि 5 साल में एक सरकार जाती है और 5 साल में दूसरी सरकार आती है, तो ये लगातार ऐसा रहा है। दूसरा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का 2018 में भी 36% वोट बैंक था और अभी भी इंटैक्ट है, 36% है, जो कांग्रेस पार्टी का 5% वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो एसडीपीआई और पीएफआई का संरक्षण देने के कारण जेडीएस का जो वोट बैंक था 18%, वो 18 से 13% हो गया और वो शिफ्ट हो गया है कांग्रेस पार्टी को। अब तीसरी बात करते हैं कि 2024 के लिए क्या होगा। सचिन जी, मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल देता हूं 2019 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, उससे पहले 2018 में 3 राज्यों के चुनाव हुए,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान किस तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में हार गई। उसके बाद बावजूद भी आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25-26 सीटें हम लोग राजस्थान में लेकर आए, उसी तरह से मध्य प्रदेश में लेकर आए और 9 सीटें के आसपास छत्तीसगढ़ में लेकर आए। और जहां तक कर्नाटक का सवाल है तो हमारी 28 सीटें वहां से आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के लिए दोबारा जो है 3 स्टेट गंवाने की तैयारी कर रहे हो कि वो एक शगुन? नहीं, ऐसा नहीं, शगुन नहीं, मैं आपका आकलन बता रहा हूँ कि विषय क्या। विषय यह है कि 2004 का भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि किस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यूपीए की सरकार आई। तो यानी कि जो लोकसभा की तुलना आप विधानसभा के चुनाव से कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो एकदम बेमानी है, उसकी तुलना करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं सचिन जी पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, ये राहुल गांधी की जीत है कि ईवीएम की जीत है? ये तो बोलते हैं जहां जहां भाजपा जीतती है वहां ईवीएम जीतता है, निर्वाचन आयोग इनके साथ में सेटिंग कर लेता है, लोकतंत्र हार जाता है, संविधान हार जाता है। तो मैं पूछता हूँ ये राहुल गांधी की जीत हुई है? टोटल दक्षिण 130 कहता है, टोटल दक्षिण कहता है 130, ठीक है इस बीच। लेकिन पीएम ने कंग्रेचुलेट किया, पीएम ने बधाई दी। नहीं लेकिन एक सेकंड, पीएम ने बधाई दी है, मुझे ये खबर भी लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था टॉप लीडरशिप की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत ज्यादा बयान आया नहीं था। लेकिन फिलहाल खुद प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है लीड कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बधाई दी है, जीत की बधाई दी है और कहा है कि जीत के लिए आपको शुभकामनाएं। एक कमेंट पूजा त्रिपाठी आपका, क्योंकि अभी से ही यहां पर प्रियंका कह रही है कि 2024 के लिए टोन सेट हो गई है। फिर पंकज सर, आलोक सर, मैं आपके पास स्टूडियो में आता हूं। सचिन जी, मेरे जो फेलो भाजपा प्रवक्ता है मनोज जी, वो बिल्ली के अवकाश अड्डा की बात कर रहे हैं। मैं उनसे यही पूछूंगी, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला कहां था? ये जो चुनाव था ये जनता के मुद्दों बनाम आई मी माइसर, प्रधानमंत्री जी की आई मी माइसर वाली पॉलिटिकल रैली हाई कैंपेन का चुनाव था। ये चुनाव था महंगाई बेरोजगारी से कमर टूटती जनता के बनाम बजरंग बली और दंगों की राजनीति के ऊपर चुनाव था। और जनता ने वोट की चोट कर दी। कहते हैं जो हार में हम्बल होता है, जो हार को स्वीकार करता है, हार में जो मुझे लगता है जनता ने इन्हें वोट की चोट दी है कि अब हम मुद्दों की बात करें। अभी मैं बहुत सारे पैनल्स पे 10 तारीख को जा रही थी, उसमें ये सवाल मुझसे कंटिन्यूअसली पूछा कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे टाइम 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो यही इस इलेक्शन का आउटकम रिजल्ट है कि प्रधानमंत्री जी को 24/7 इलेक्शन मोड से नीचे उतरकर 24/7 गवर्नेंस मोड में काम करना होगा। क्योंकि ना आप बेरोजगारी पे कुछ कर रहे हैं, ना महंगाई पे कुछ कर रहे हैं, ना आपकी जो आपका जो सरकार थी कर्नाटक की वो नेगेटिव करप्शन में भ्रष्टाचार में 40% सरकार कमीशन करा जा रही थी, और अब वहां जाके ये प्रधानमंत्री जी इतना हाई वोल्टेज कैंपेन, 35 रैलियां, 25 किलोमीटर का रोड शो, 6 महीने में 11 बार कर्नाटक विजिट, और ये पहली बार किस प्रधानमंत्री का है? उसके बाद भाजपा की हार, आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आप गवर्नेंस के मुद्दों की बात करिए, जनता के मुद्दों की बात करिए, आप कांग्रेस के पॉइंट मत करिए। ठीक नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा। पंकज सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ कांग्रेस लगातार मोदी बैशिंग कर रही है, ये सुबह से हमने देखा है कि ये मोदी की हार है क्योंकि वो लगातार चुनाव प्रचार में थे, क्योंकि लोकल लीडरशिप नहीं थी, उन्होंने जो अथॉरिटी थी यहाँ की लीडरशिप थी, सेंट्रल लीडरशिप उसी को भेज दिया था, इस कारण से लोकल लीडरशिप नहीं थी, वो चुनाव हार गए, हमारे पास तो लोकल लीडरशिप थी, तो ये मोदी की हार है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर प्रधानमंत्री के पास भी सर्वे होता है, ये जानते हुए कि वो कमजोर पिच पर खेल रहे हैं, फिर भी अगर वो इतनी मेहनत कर रहे थे, लास्ट मोमेंट तक रोड शो कर रहे थे 26 किलोमीटर का, 7 घंटे का 8 घंटे का, तो ये 2024 के लिए, यानी कि पीएम का वाकई आकर के बधाई देना कांग्रेस को, ये जिसे क्या कहते हैं उस गिली पिच पर प्रधानमंत्री ऐसे फिर भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे, ये क्या मैसेज है सर? देखिए दोनों तरफ से अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने ये मोदी को कहा कि मोदी की डिफीट है, वो 2024 को मद्देनजर रखे कांग्रेस की जो अब जो भाषा है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, और मोदी जी भी का भी जो यहाँ पे जो पूरा कैंपेन था वो कर्नाटक के लिए कम, 2024 के लिए ज़्यादा था, कि मोदी जी के लिए इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2024 का इलेक्शन लोकसभा का जीतें, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि कर्नाटक जीते या ना जीते, लेकिन कर्नाटक अगर जीत जाते तो उनके लिए बोनस था। वो कोशिश कर रहे थे कि कर्नाटक में जो बीजेपी जहाँ पे पूरी कोलैप्स कर चुकी थी वो किसी तरह से अपने आप को बचा पाए, तो बचाते बचाते भी बीजेपी जो है 104 से 64 या 63 सीट्स पे ये बीजेपी का जो नंबर आ रहा है। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस का जो रिवाइवल है
वो जो है बीजेपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है, क्योंकि जो कांग्रेस का रिवाइवल है वो पहली बार बहुत सालों के बाद कांग्रेस की इलेक्शन मैनेजमेंट और पोल मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन थी जो है। इसमें खड़गे जी को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो डिफरेंट फैक्शंस थी उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, और के एच मुनियापा को छोड़कर बाकी कोई भी डिसिडेंट जो था उसने पार्टी के विरुद्ध काम नहीं किया। डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया जी आपस में इनकी चाहे दोनों चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के दावेदार हों, पर इन्होंने भी जो थ्रू आउट द कैंपेन अपने आप को इकट्ठा दिखाया, जिसके कारण जो है कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया। प्रियंका जी भी ये बोल रही थी कि जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और ये जो ज़मीनी मुद्दे जो है ये लोगों को अब छू रहे हैं, कि और जो है कि कर्नाटक के चुनाव ये दिखा रहे हैं कि हम हिंदू ज़रूर हैं लेकिन जो है बेवकूफ़ नहीं है, कि अगर हर बार हमको ये हिंदू और मुसलमान में बांट के जो है कि इलेक्शंस को जिता सकते हो और इलेक्शन की जीत की तरफ आप बढ़ सकते हो। और जो है एक और जो बहुत बड़ा जो 2024 के लिए जो बीजेपी के लिए वरिंग फैक्टर ये है कि कर्नाटक के अंदर लोकल लीडरशिप को बिल्कुल ही का गला घोट दिया गया है, कि येदियुरप्पा की पहले चाहे वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे निकालकर एक साइड पे कर दिया गया था, बाद में उनको लाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का कोई कद्दावर लीडर वहां पे रहा नहीं है। जो जगदीश शेटर जो कि लिंगायत कम्युनिटी में येदियुरप्पा के बाद थे, उन्होंने कांग्रेस को कई सीटों में मदद की, बेशक वो अपनी सीट हार गए। मेरे को लगता है कि उनको कांग्रेस जो है MLC बनाकर कर्नाटक के इलेक्शन में कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट में शामिल करेगी या उनको राज्यसभा देगी ऐसा लगता है। पर बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप थी, जो स्पेशल लिंगायत जो बैकबोन थी, वो लगता है सब टूट गई है, और ये अमित शाह, मोदी जी, इन सब ने पूरी सिचुएशन को गलत रीड किया है, जो जिसका खमियाजा 2024 में बीजेपी को मिल सकता है। जो इस वक्त की स्थिति है कि ये बीजेपी चाहती थी कि भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो, लेकिन ये दक्षिण भारत जो है बीजेपी मुक्त हो गया है, जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट्स का सवाल है। ये इस वक्त टोटली जो है नॉर्थ और साउथ का जो है वोटिंग पैटर्न और थिंकिंग प्रोसेस के अंदर अंतर नजर आ रहा है, बाकी आगे भी पिक्चर बाकी। आलोक जी एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद हाजी साहब मैं आपके पास आता हूँ। अब आलोक जी बहुत बार हम डिस्कस करते हैं और आज फिर वही देखने को मिला कि जीत की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनकी मेहनत, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है वो आपके स्टार कैंपेनर हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, फिर भी झोंक देते हैं खुद को, वो हारी हुई बाजी भी पलट देते हैं, लेकिन कहीं आप काम तो कीजिए। वहां पर पहले करप्शन है, लोकल लीडरशिप है नहीं, किस तरीके से जो है वो कितना, अगर वो भी नहीं होते तो ये देखिए 64 तक जो है मुमकिन नहीं होता, तभी वो लगातार कहते हैं कि जाइए लोगों के बीच, जाइए काम कीजिए। क्या ये वरिसम होगा अभी से ही 2024 के लिए प्रिपरेशन करना? देखिए सचिन जी, मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात जो आपने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से जब जो नेता संभालता है कमान, यदि आपने संभाली है तो सचिन जी कहेंगे ना इस शो में पूरा आपने किसको बोलने दिया किसको नहीं बोलने दिया, उसी तरह से जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले और उन्होंने शुभकामना भी दी। मैं दो बातों पर ध्यान, मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि मुझे याद पड़ता है उन्होंने कई ऐसे जीत के बाद के भाषणों में कहा है अभी और काम करना है, मैं भरोसे मत बैठे रहना, कोट अनकोट। बिल्कुल यही मैं आपको आगे इसी बात को आगे बढ़ा रहा था। देखिए पंकज जी हमारे साथ हैं जो बहुत पुराने पत्रकार हमारे साथी हैं, मैं 1982 की याद दिलाऊंगा। जनता पार्टी की सरकार और के बाद बड़ी भारी विजय इंदिरा जी को मिली। दिसंबर में मैं गया था 82 में ही, और कर्नाटक के चुनाव थे। जनवरी में गुंडू राव इंदिरा गांधी के सबसे नज़दीकी मुख्यमंत्री थे, और उस समय सारी सफलता के बाद भी कांग्रेस वहां हार गई। तो ये कहना, और उसके पहले भी हमेशा ऐसा हुआ है, जब इंदिरा गांधी के रहते हुए भी यदि कहीं पर हार गए कहीं जीत गए। आज नरेंद्र मोदी जी को, मतलब हम उनसे ही कह रहे हैं कि उनको मैं डिफेंड कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि राज्यों के चुनाव में स्थानीय नेताओं ने, मैंने सचिन जी आपके कार्यक्रम में 4 दिन पहले बोला था, कोई रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, 3 दिन पहले, कि साहब बंगलोर में जो कैंडिडेट था बीजेपी का उसका 2 दिन पहले कुछ घरों में नाम ही नहीं मालूम था। मेरी बात हुई थी, मैं नंबर दे सकता हूँ, बता रहे थे आपको याद है। तो यदि बीजेपी का कार्यकर्ता काम नहीं करे, यदि उसका विधायक जो चुनाव लड़ रहा है उसका पर्चा 1 दिन पहले पहुंचा, उसके पहले कांग्रेस ने बाकायदा घर घर में जैसे जूम लगा करके, हम और आप जो जूम से जुड़ते हैं, उन्होंने घरों में जोड़ करके लोगों से बात कर लिया, कहा आपकी कोई अपेक्षा बताइएगा। ये संपर्क रणनीति और जो भाजपा की कमियां हैं उसको दिखाना, और अभी भी राहुल गांधी को भी श्रेय देना चाहिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा में उसका एक एटमॉस्फेयर बना था। दूसरी बात ये सही है कि ये, मैं पंकज जी ने कहा है कि खतरे की घंटी में, तो कहता हूँ
भाजपा के लिए फायदे की बात है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो सुधार कर सकता है, और कांग्रेस उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सामने दिखाई दे। देखिए छोटी छोटी पार्टियों का ब्लैकमेल से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें गिर गई, चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी 67 में कितनी दिक्कत आई थी। तो छोटे दलों के ब्लैकमेलिंग से, विताल रिगार्ड्स में छोटे दल के कोई खिलाफ नहीं हूँ, अखिलेश यादव वहाँ पर जो कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पंचायतों में आए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय दलों का मुकाबला हो, राष्ट्रीय मुद्दे हों, लोगों को देने के लिए दोनों ने बड़े बड़े कार्यक्रम घोषित किए थे, इम्प्लीमेंट करने में साथ मिलकर के कर्नाटक का भला हो जाएगा। आलोक सर, ये भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अब तीसरा मोर्चा, एक जो चाह रहा है कांग्रेस, तो एक जो चाह रहा है कांग्रेस नहीं हो, अगर कर्नाटक जीती तो क्या होगा, कर्नाटक नहीं जीती तो क्या होगा। आप कर्नाटक की इतनी बड़ी जीत के बाद कांग्रेस जो है एक अलग ही मुद्रा में होगी। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर उसके बाद हाजी साहब आपके पास आऊंगा। अनिल जी, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं, और इज इट टू अर्ली टू से 2024 के लिए खतरे की घंटी? देखिए, इस चुनाव के परिणाम को 24 के नजरिए से न देखें। ये एक राज्य का चुनाव था जिसको कांग्रेस ने जीता है, वहाँ के स्थानीय मुद्दों पर जीता है, वहाँ की समस्याएँ थी जिसको बीजेपी सॉल्व करने में सक्षम नहीं रही, और इसको राष्ट्रीय पैमाने पर नहीं देखना चाहिए। इसके बाद, इसके पहले भी राज्यों के चुनाव हुए हैं जिसको कांग्रेस ने जीता था। 19 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, 40-45 सीट आकर सिमट कर रह गई। तो ये एक राज्य का चुनाव है, राज्य के चुनाव होते रहते हैं, और इसका कोई इम्पैक्ट केंद्र के चुनाव पर नहीं पड़ता है। ये बात जरूर है कि कांग्रेस में मनोबल की वृद्धि जरूर होगी, कांग्रेस कॉन्फिडेंस के साथ अगले चुनाव में काम करेगी, तो कांग्रेस की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इसका कोई खास असर राष्ट्रीय चुनाव पर पड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह एक स्थानीय चुनाव था, राज्य का चुनाव था, राज्य के मुद्दों पर लड़ा गया था। इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, वो बड़े चेहरे थे, इसलिए बीजेपी के उन्होंने कंपेन किया था, लेकिन हार का पूरा ठीकड़ा वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री के सर पे फूटा है, जो कि बिल्कुल वाजिब है। उसने राज्य को एक ऐसे गर्त में गिरा दिया जिसके वजह से जनता वहाँ की त्रस्त हो गई, और त्राही माम करने के बाद इतनी बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस को दी गई है। तो इसको प्योरली इस नज़रिए से देखना चाहिए। मैं वहाँ कर्नाटक में था, 8 दिन तक था, मैंने देखा, लोगों से बात किया, लोग त्रस्त थे इस सरकार से, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे आम व्यक्ति हो, हर आदमी इस सरकार से परेशान था। तो परेशानी के आलम में कहाँ जाता, तो वो अपना गुस्सा कांग्रेस को वोट देकर निकाला है। सिंपल सी, इस पूरे प्रकरण को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इनकंबेंसी से इतनी थी, सरकार से इतनी परेशानी थी, इस कारण से सरकार को चेंज कर लिया, इसे इतना ही रीड किया जाना चाहिए या इससे आगे? हाजी महरुद्दीन, जैसे कि ये कह रहे थे बीजेपी वाले, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात हो रही थी, आज भाजपा मुक्त भारत होता जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो वादे किए थे, भाजपा मुक्त दक्षिण भारत कह रहे थे, अरे सर सारा ही होगा, अभी देखते जाइए, अभी 3 राज्यों में और चुनाव है, छत्तीसगढ़ में और जी जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो मैं ये जो कहना चाह रहा था, जो इन्होंने वादे किए, कांग्रेस ने कहा कि 4% आरक्षण देंगे, अब बात देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बजरंग दल पे जो बैन लगाने की बात हुई थी, उस पर बैन लगाए, जो ये वादे कर रहे हैं उन पे वादों पे खड़े उतरे, तब जाके जनता में विश्वास बनेगा, जब लोग इनको देखेंगे कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, फिर इन्हें 24 में वोट जो है कांग्रेस को दिया देंगे लोग। इससे पहले के दो अपने वादे हैं जो इन्होंने, पांच तो इन्होंने अपने वादे किए, और बजरंग दल को बैन करने की बात करी, इन्हें बैन करे, वादे अपने पूरे करे, तब जाके कोई सरकार को फैसला लेगी आगे की, और लोग, जनता भी तभी अपना मन बनाएगी कांग्रेस की तरफ, ये मेरा कहना है। तो आपको लगता है इन वायदों से मुसलमान खुश होता है, या फिर कंसोलिडेट हुआ, उसने वोट दिया कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों को बैन किया? मैं बजरंग दल ने बताइए, जुनेद और नासिर की हत्या की, सुबोध कुमार की हापुड़ में हत्या कर दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका महिमा मंडन किया गया, लिंचिंग में सबसे ज्यादा उनके हाथ है, दंगे में उनके हाथ है, जहांगीरपुरी दंगे में बिना परमिशन के रैलियां वो निकालते हैं, हथियार वो लेके घूमते हैं, ये सारी चीजें जनता और देश की जनता देख रही है, और ये चाहती भी है देश की जनता कि जो भी देश के लिए हानिकारक हो, चाहे पीएफआई हो चाहे बजरंग दल हो, बैन होने चाहिए। जब पीएफआई बैन हो सकता है तो बजरंग दल क्यों नहीं हो सकता? और बाकी 93 में ये बैन भी हुआ था, उसके बाद कोई कारण रहा होगा कि वो उसका बैन हट गया। 2024 के पन्ने में भी देखना चाहेंगे, मैं इसका जवाब जो है कांग्रेस की प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज यादव आप इसका जवाब देना चाहते हैं, बजरंग दल और पीएफआई जब एक पन्ने पे आता है तो मुसलमान खुश होता है, वोट देता है, ये कह रहे हैं?
जी निश्चित रूप से सचिन जी, मैंने पहला कमेंट यही किया था कि एसडीपीआई और पीएफआई ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए 10,000 करोड़ का बजट देना होगा और आपको धर्म के आधार पर आरक्षण देना होगा। निश्चित रूप से कंसोलिडेट हुआ है वो वोट बैंक और ये तुष्टिकरण की एकदम हाई लेवल की हाइट कर दिया इन्होंने तुष्टिकरण का, एकदम तुष्टिकरण की जितनी गुलामियत करनी थी उतनी गुलामियत इन्होंने कर ली। अभी हमारे हाजी रंजन जी बोल रहे थे कि देखिए बजरंग दल जैसा एक संगठन है जो लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता है, 1992 में आपने प्रयास किया बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का और वो खारिज हुआ, आज तक आप बजरंग दल पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा पाए। लेकिन पीएफआई जिसके अलकायदा से संबंध है लगातार बम ब्लास्टिंग में हो रहा है, ऐसे जो आईएसआई मतलब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है 2047 के अंदर, उसके पैरोकार कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी उसको संरक्षण देती है और एजेंट बनकर के बैठती है। अब एक विषय मैं ये कह रहा था कि जैसे आलोक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पंकज जी ने भी कहा सीखना चाहिए, हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम चुनाव जीतते हैं या सीखते हैं, निश्चित रूप से हम लोग सीखेंगे, आप निश्चित रहिए, हम आत्ममंथन भी करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जो जो हमारी कमियां रही है उनको बखूबी ठीक करके नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी जो लगातार सीखती है और जमीन पर रहती है बूथ से लेकर के, आलोक जी ने जैसा ये किस्सा बताया बेंगलोर वाले जो विधायक वाला वो उस डिबेट में मैं भी था, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थानीय लेवल पे जो गलतियां हुई हैं कुछ कुछ चीजें हुई हैं तो उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा सचिन जी, चाहे कितना भी बात करें, कितना ही भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करें, ये नागालैंड में फेल हो जाते हैं, मेघालय में फेल हो जाते हैं, त्रिपुरा में फेल हो जाते हैं, गुजरात में फेल हो जाते हैं, इनकी भारत जोड़ो उस समय काम नहीं आती है। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि बिल्ली के बाद से छीका टूटा 38 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो ट्रैक रिकॉर्ड ही दोहराया गया, परंपरा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इन्होंने बहुत बड़ा तुरंत खा वाला काम कर दिया कि इन्होंने तो पता नहीं बहुत बड़ा मतलब एक है कि इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया तो सदियों में कभी हुआ नहीं। ठीक है ठीक है, पूजा एक छोटा सा कमेंट फिर उसके बाद जीवीआर, पूजा एक छोटा सा कमेंट फिर उसके बाद स्टूडियो में वापस आता हूं जीवीआर के पास। पूजा अब यहाँ पर उन वायदों को काम करने के लिए ग्राउंड पर उतारना होगा, वो जो 5 गारंटीज है, पहले ही कर्नाटक कितने ज्यादा ऋण में इतना ज्यादा डेप्थ में, तो किस तरीके से वो 5 जो मुफ्त की गारंटीज हैं जिसमें बिजली से लेकर के तमाम पैसे देना वो पूरा होगा, आरक्षण देना जो आरक्षण जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है कोर्ट के ने कहा कि जो पॉसिबल हो नहीं रहा है, फिर वो मुस्लिम आरक्षण कैसे पॉसिबल हो जाएगा, तो ये तमाम चीजें हैं, चुनौती अभी कम नहीं होगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी एक वादा किया था 1500 रुपए देने का, वो अभी तक नहीं शुरू हुआ है। शुरू हो चुका है सचिन जी, महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में पैसे मिल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट कैबिनेट में हमने ओल्ड एज ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस कर दिया है। वहीं राजस्थान की बात, राजस्थान लैंड, मनोज जी आते हैं एक सेकंड, वो अपनी बात रखें 10 सेकंड, राजस्थान लैंड मैं सवाल पूछने वाला था बस, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एकदम आंदोलनकारी बिल है आपको स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए बिना आपके पैसे स्पेंड किए हुए, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही तो उसने क्लास डिवाइड मिटा दिया है। राजस्थान महंगाई राहत कैंप दे रहा है, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, छत्तीसगढ़ ने किसानों को माफ किया, छत्तीसगढ़ गवर्नेंस करना हमें पता है, हमें पता नहीं, ये तो फ्री बीज हुआ ना, इसके ऊपर तो एक बहस होती है। जीवीआर एक मिनट आपको चाहूंगा, फिर पंकज सर आपके पास आऊंगा, एक सेकंड मनोज जी मैं चाहूंगा, मैं क्योंकि अब आ रही है तो 2024 में फिर बड़े फ्री बीज आएंगे, अगर उस पर चुनाव जीता जा सकता है 5 गारंटियों के साथ जीवीआर, और फिर बोल करके अब वो इतना सारा पैसा लेकर के आएंगे, जनता को बताएंगे कि वो स्टेट की ऑलरेडी जो ऑलरेडी इतने डेफिसिट में और वो ऑलरेडी इतने डेफिसिट में, फिर इतनी फ्रीबीज आप कैसे देंगे। ठीक है मनोज जी, एक सेकंड, एक जीवीआर का कमेंट उसके ऊपर, आपके सवाल दोबारा दोहराना, मैं कहा फिर 5 फ्रीबीज जो हैं आप वायदा कर देते हैं तो फिर 2024 तक तो ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उसके बाद स्टेट अगर जीत लेते हैं तो नहीं, बिना सोचे समझे वादा तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने, ये घोषणा पत्र में जितने भी वादा किया है क्या ये मुकम्मल के तौर पर हो सकता है क्या, नहीं हुआ। फाइनेंस जो स्टेट की फाइनेंसेस के बारे में इनको जानकारी तक नहीं है, ये जिस तरीके से ये लोन्स ले लेते हैं स्टेट की तरफ से और इतने लोन से 5-5 लाख करोड़ लोन, 6-6 लाख करोड़ लोन है, उसके बारे में बातचीत करना नहीं चाहेंगे। ये तो घोषणा पत्र में पीएफ बजरंग दल की बात तो जरूर कहा, लोन्स के बारे में बात थोड़ी किया और स्टेट की रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी बात किया, क्या इकोनॉमिक रिपोर्ट है इनके हाथ में, क्या इनके इकोनॉमिक रिपोर्ट में कितना रेवेन्यू है, कितना इनकम है स्टेट की तरफ से, क्या ये बात कर सकते हैं, क्या उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, जनता को दिशा निर्देश दे, चुनाव का मतलब है जनता को दिशा निर्देश देना, ये तो नहीं होता है सुबह शाम तक सवाल नहीं करते, एक सवाल है सचिन, एक सवाल जरूर है कांग्रेस को तरफ, कांग्रेस को ये बात जरूर जवाब देना चाहिए, घोषणा पीएफआई बैन करे या बजरंग दल, चाहे उससे वो मतलब नहीं है, वो इलेक्शन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप तो बार बार ये कह रहे हैं ये बेरोजगारी है,
बेरोजगार के ऊपर, करप्शन के ऊपर मुद्दा बन गया, तो फिर ये घोषणा पत्र में अनाउंस करने की अनाउंस क्यों नहीं था? ठीक है जी भैया, ठीक है जी भैया। पंकज सर, अगर ठीक है छत्तीसगढ़ वो मॉडल काम किया कि आपने बहुत सी आपकी फ्री स्कीम्स हैं, राजस्थान में भी ये मॉडल काम कर रहा है, केजरीवाल तो ऑलरेडी पंजाब में भी करके आए हैं, एक सेकंड में वापस आता हूँ, और फिर उसके बाद कर्नाटक में भी फाइव गारंटीज काम करती हैं बनस्पत इसके कि यहाँ पर कितने लाख करोड़ का लोन है वो कुछ नहीं है। अगर ये गारंटी की हल्का सा अपीजमेंट फ्री बीज की गारंटी के साथ अगर आप फिट करते हैं और उसके साथ कुछ भी हो, तो 2024 में तो फिर ये बड़ा जीत का फॉर्मूला बनेगा बनस्पत इसके कुछ भी हो। पंकज जी क्या 2024 के लिए तो ट्रैवल कर दिया, तो क्या 2024 के लिए अगर ये छोटे महिलाओं के लिए बस की ट्रैवल फ्री कर दी? हाँ बिल्कुल कर दिया, वो कह ही रहे हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो हर चीज ही फ्री, तो 2024 के लिए तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में कई वादे करती है, जिनमें से अधिकतर वादे जब इलेक्शन अगली इलेक्शन आती है तब तक ये पूरे किए नहीं जाते। ये जो जितने भी ये पैसा कहां से लाएंगे? देखिए आप बोल चुके हैं, अब मेरे को बोलने दीजिए, आपने जो बोलना था बोल दिया, अब इंटरफेयर मत करिए। अब कि जो है कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, बीजेपी के भी घोषणा पत्र में इतने सारे वादे थे, चाहे 2014 में थे, 2019 में थे, 15 लाख रुपए लोगों के उसमें जाने थे बैंक अकाउंट में, काला धन वापस लाना था, वो कहां पूरे हुए हैं? तो ये जो है कि ये लोगों को उस वक्त चकमा दिया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी देती है, कांग्रेस ने भी दिया है, लेकिन मेन चीज ये है कि जो कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हार हुई है वो इसलिए हुई है कि उन्होंने लोकल लीडरशिप को पूरा नज़रअंदाज कर दिया था। जिस तरह से हिमाचल में स्थिति थी, सिमिलर सिचुएशन कर्नाटक के अंदर थी, हिमाचल के अंदर भी डिमांड थी कि जयराम ठाकुर को बदला जाए, बीजेपी के खुद कार्यकर्ता कहते थे, यहाँ पे भी डिमांड थी कि बसवराज बोम्मई को बदला जाए, दोनों जगह पे कि लोकल डिमांड को ओवररूल करके ये सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी बात जमाई। तो उसी तरह से जो है कांग्रेस की जो है अभी तक इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत कमजोर रही है, खड़गे जी के कारण कर्नाटक में ठीक रही है, और इसका ये मतलब नहीं है कि 2024 में कांग्रेस जीत गई है और बीजेपी हार गई है। वो मैनेजमेंट पूरे देश की है सर, क्योंकि जो है कांग्रेस को इलेक्शन मैनेजमेंट नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे कोई संगठन नहीं है, जहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता, तो वहां पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहां से करेगी। जब तक कांग्रेस के पास ये माइक्रो एंड मेगा ये मैक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन जीतना मुश्किल है, लेकिन हाँ पिछली बार से शायद परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। बीजेपी को कॉशस किया है इस इलेक्शन ने, लेकिन बीजेपी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी 2024 का इलेक्शन जीत चुकी है। जाहिर सी बात है, कॉशस किया और वो कॉशस करने से जो है आदमी ज्यादा बेहतर ही सोचता है। जी मनोज जी, आप काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, फिर एक छोटा सा कमेंट रखिएगा। सचिन जी, मैं छोटा सा कमेंट लूंगा, ये बड़ी बड़ी जो गारंटी की बात करते हैं, जो फ्रीबी देने वाले लोग हैं, हम केवल लक्षित सभी को देते हैं, समूह को देने का काम करते हैं, सभी को बांटने का काम करते हैं। उनकी गारंटी के बारे में बताता हूँ। 3500 रुपए कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, मेरे राजस्थान के बगल के स्टेट में रहता हूं मैं, हरियाणा का रहने वाला हूं, उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, जैसे हिमाचल में सरकार भाई तो पेट्रोल महंगा कर दिया, राजस्थान में तो वेट इतना बढ़ा रखा है 13 रुपए पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा है 32% इनके यहाँ बेरोजगारी है, और ये गंगा जल लेकर कसम खाते थे हम ऋण माफ करते हैं। आज तक राजस्थान के किसानों का इन्होंने ऋण माफ नहीं किया, छत्तीसगढ़ के किसानों का माफ नहीं किया। तो मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि जो फ्री बीज की बात कर रहे हैं, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, उसे ये भी जरा पूछ लीजिए कि उस बजट के बारे में जरा आपको ज्ञान है क्या, क्या वेतन भी दे पाएंगे? जिस तरह का फ्री बीज का लेकर कुकर लेकर आ रहे हैं, क्या वेतन देने की भी कंडीशन रहेगी? बजट से ज्यादा है वो फ्री बीज गारंटी पूरी नहीं की उन्होंने आज तक का कोई पार्टी है। बात तो अभी लड़ाई है, 2024 साल की दूर है, बीच में से और भी कई राउंड होते जा रहे हैं, लेकिन चर्चा यहाँ पर इस पर जोर से शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।